सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी जो भारत की जो राष्ट्रीय स्तर की जो संगठन है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके जो अपडेटेड जो CEOs होते हैं, MDs होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जैसे भी कोई अपकमिंग एग्ज़ाम है ना, उसके भी आप पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि सबसे पहले जो है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ DRDO? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि DRDO है क्या, ठीक है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जो DRDO का जो एस्टेब्लिश हुई थी 1958 में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है ये आती है, ठीक है। और बात करेंगे इसके डिफेंस मिनिस्टर जो अभी मतलब करंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह जी हैं, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष जो पूछे गए हैं वो है समीर वी कामत, ठीक है। तो समीर वी कामत जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास इसरो का वर्तमान अध्यक्ष, इसरो का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ जी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसरो की हम बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और एस्टेब्लिश हुआ था ये 15 अगस्त 1969 में, और फाउंडर जो थे इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। तो ये याद रखना है, कई बार पूछ देते हैं कि इसरो की जो है मतलब खोज किसने करी थी, किसने बनाया था, ठीक है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, आदित्य L1 जो सन में भेजने के लिए है ना सेटेलाइट, वो जुलाई 2023 में भेजेंगे, और चंद्रयान 3 है वो 2023 में लॉन्च होगा, और एक शुक्रयान है इसको 2031 के लिए इन्होंने पोस्टपोन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ जी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो RBI के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो है हमारे श्री शक्तिकांत दास जी, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम RBI के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए RBI का जो मतलब जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ठीक है। और जो एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1955 में, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और इसके जो 25th जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अभी जो फिलहाल जो डिप्टी कमिश्नर गवर्नर है चार हैं इनके, MK जैन है, डॉक्टर माइकल पत्रा है, एम राजेश्वर राव है, और टी रविशंकर है, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर थे श्री ओब्जर्म स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन थे CD देशमुख। तो ये इंडियन वाला जरूर याद रखें, क्योंकि पूछ लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को, इसने रिप्लेस किया था योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, मतलब प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और वाइस चेयरमैन है सुमन वैरी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इसके वर्तमान CEO कौन है, ठीक है। तो नीति आयोग की जो सी है वो परमेश्वरन सही अय्यर जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो इसके जो अध्यक्ष है वो है KB साजी जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एस्टेब्लिश 12 जुलाई 1982 को हुआ, चेयरमैन KC बाजी, मैंने बताया भी आपको KB साजी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और फर्स्ट चेयरमैन थे BS श्रीवनम, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। तो नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके जो है वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है, एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, और इसके MD CEO है आशीष कुमार चौहान जी। इसकी जो है ना फुल फॉर्म भी याद रखनी है,
और एस्टेब्लिश कब हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट है IRDA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, इसके है हेडक्वार्टर हैदराबाद में, एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, ठीक है। और ओनर है इसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है देवाशीष पंडा जी, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हु इज़ द फर्स्ट व्यूमन टू हेड सेबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से देखे जाएंगे तो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेबी की जो है वो जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है, जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड है उसकी जो महिला जो अध्यक्ष है उसका नाम है माधवी पुरी बुच, ऑप्शन डी, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में, एस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, मिनिस्ट्री किसके अंडर आता है ये, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी होती है, और फर्स्ट चेयरमैन थे इसके GV रामकृष्णा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है छोटे उद्योगों के विकास के लिए विकासशील बैंक है, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकासशील बैंक, ठीक है, या विकास बैंक। तो जो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है SS रमन जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो लखनऊ यूपी में है, और एस्टेब्लिश 2 अप्रैल 1990 में, और मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री रमन जी, और टैगलाइन है इसकी आइए गंगा नहाइए और उद्यमी बनकर जाइए। तो जिसकी अगर कोई टैगलाइन होती है ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके जो ट्राई के जो अभी अध्यक्ष है वो है PD वघेला जी, ठीक है, PD वघेला जी है जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एस्टेब्लिश हुआ था 20 फरवरी 1997 को, चेयरमैन PD राव वघेला, ठीक है, और ज्यूरिडिक्शन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द करंट डायरेक्टर ऑफ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है इसके जो हमारे अध्यक्ष वो है प्रमोद कुमार तिवारी जी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो दिल्ली में है, एस्टेब्लिश 23 दिसंबर 1986 को, और जो पेरेंट एजेंसी है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर अफेयर्स, ठीक है, सॉरी करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है BCCI के, तो BCCI तो एवरीबॉडी नोज है कि BCCI तो जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, तो लगभग सबको ही पता होगा इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी, ठीक है, ऑप्शन बी, और इन्होंने रिप्लेस किया सौरभ गांगुली को, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में, एस्टेब्लिश हुई थी ये 1928 में, ठीक है, और प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी जैसा भी मैंने 36 नंबर के, और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी, CEO हेमंग आमीन जी, और सेक्रेटरी जैसा, और मेन्स कोच राहुल द्रविड़, और वीमेंस कोच रामेश्वर पवार, ठीक है। इम्पोर्टेंट था इसको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि अभी इसके अपडेट हुए ना, सौरभ गांगुली को चेंज किया हुआ है, ठीक है, रोजर भी नहीं अभी। तो नेक्स्ट है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एस्टेब्लिश हुआ था 5 सितंबर 2008 को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, और इसके चेयरपर्सन है राजेश भूषण जी, ठीक है। और वर्तमान में जो CEO है वो है इसके गांजी गांजी कमला बी राव, ठीक है, गांजी कमला बी राव जो है इसके अध्यक्ष है, ठीक है। और नेस्कॉम के जो अध्यक्ष है, नेस्कॉम के जो अध्यक्ष है वो है कृष्ण रामानुजम, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नेस्कॉम की बात करें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, 1 मार्च 1988 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, और प्रेसिडेंट है देवजानी घोष, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है ये, ठीक है। तो नेस्कॉम के बारे में थोड़ा याद रखना है। उसके बाद है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो जो इसके जो हैं वो राजेश कुमार जी हैं, ठीक है, और नहीं सॉरी राजेश कुमार जी, डॉक्टर कुमार जोशी जी, पुष्प कुमार जोशी, ठीक है। तो ONGC, इसके बाद जो है ONGC के हैं, ठीक है, प्रो इसके अध्यक्ष जो है प्रोन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एस्टेब्लिश 14 अगस्त 1956 को हुई थी, और ONGC के जो है वो राजेश कुमार जी हैं, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। तो
और SBI के हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो SBI के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो दिनेश कुमार जी है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई में एस्टेब्लिश 1955 को, टैगलाइन है द बैंकिंग टू एवरी इंडियन, ठीक है, इसको याद रखना है। मैंने बोला है कि टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के CEOs तो पता ही होता है, और मैक्सिमम उनके फुल फॉर्म भी पता होता है, बने कब थे ये भी पता ही होता है। तो आज जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं, मतलब जैसे किसी की टैगलाइन पूछ ली, तो क्या है कि कोई टैगलाइन के बारे में इतने ज़्यादा पूछते भी नहीं है। लेकिन अब जो आने वाला जो टाइम है ना, इसमें अब ऐसे लाइट चीज़ें तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि एवरीबॉडी नोज़ कि SBI कब बना, कैसे बना, हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या नहीं है। तो रेयर चीज़ें जो नहीं पूछते ना वो पूछी जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि दिनेश कुमार खरा जी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास भारत के 25वें मुख्य ना चुनाव आयुक्त कौन है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो राजीव कुमार जी है, ठीक है। इसके बाद जो है मतलब ये कौन से नंबर के थे, तो ये भी 25वें नंबर के हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एस्टेब्लिश हुआ था ये 25 जून 1950 को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी, जैसा कि मैंने बताया आपको। और सेकंड है अरुण गोयल और अनुपम चंद्र पांडे जी, ठीक है। इसकी जो टर्म है वो 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स, मतलब जो है ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये अपने पद पर रह सकते हैं। और चुनाव आयोग से रिलेटेड जो है 324 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इससे रिलेटेड है। मैंने अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको कि जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी की भी मतलब एक सीरीज़ शुरू करी है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। और स्टैटिक जीके का जो है जो फर्स्ट वीडियो आया आज ये, ठीक है, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखें। नेक्स्ट है हमारे पास जो CBI है, CBI के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो CBI के जो महानिदेशक है वो शुभम कुमार जायसवाल जी है, सुबोध कुमार जायसवाल जी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, एस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1963 को, और मोटो है इंडस्ट्रियल इंपावरमेंटली और इंटीग्रिटी, ठीक है। जो इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेज एंड पेंशन है, ठीक है। और कुछ है कि जो मतलब जो महिलाएं हैं जो फर्स्ट वुमेन है उनके बारे में, फर्स्ट वुमेन इन द सेंस कि जैसे मतलब किसी भी उसमें जैसे PT उषा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। मेघना अलावत हैज़ बीन इलेक्टेड एट द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टिफी, ठीक है। और माधवी पुरी बुच, माधवी पुरी बुच मैंने आपको बताया था कि चेयरपर्सन बनी है, फर्स्ट चेयरपर्सन फीमेल SEBI की, ठीक है। और ऐसे नीचे जैसे मिताली राज हो गई, फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू रिसीव द खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो इस तरह से है, इसको देख लेना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है। और आई होप वीडियो बहुत अच्छा था, ठीक है। अगर बीच में कुछ वो गलती वगैरह हो जाती है तो आप कमेंट पिन कर दीजिएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको जो है क्लियर करूँ, ठीक है। तो ये वीडियो था आज इसके बारे में कि हमारे जो ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कब बने, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कब बने, फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके हेड कौन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी रहने वाली है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें VK स्टडी यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।